हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड ए ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं पिछली बार क्लास में रासायनिक बल गतिकी में अपन ने जो लास्ट वाला टॉपिक था ऑरेनियस सिद्धांत, इसके बाद में अपन बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, वो था सक्रियण ऊर्जा। क्या थी सक्रियण ऊर्जा? व संक्रमण अवस्था। क्या चीज थी? सक्रियण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, उसको एक बार देख लो। छोटा सा है सक्रियण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। ये 5 मिनट का टॉपिक है, इसको एक बार देख लो आप। इसके बाद अपना डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं तो इसके लिए बोलते हैं कि जब अभिकारक किरण, जब अभिकारक किरण जिनके पास में खुद की एनर्जी होती है नॉर्मली, वो जब आपस में टक्कर करते हैं, आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, तो इसमें वह मिनिमम ऊर्जा, वह मिनिमम या न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, मस्त जरूरी है, वो क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब अपन सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा दूसरी चीज होती है इसमें दहलीज ऊर्जा, दहलीज। तो ये बोलते हैं कि सक्रियण ऊर्जा इज इक्वल टू होता है, सक्रियण ऊर्जा इज इक्वल टू होता है दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारकों की गतिज ऊर्जा, अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। ये सक्रियण ऊर्जा इज इक्वल दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। यदि आप इन दोनों को समझना चाहो, राइट, किसको? सक्रियण ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा को, तो ऐसे समझो इसको कि ये एक अपन ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर अपन लिखते हैं कि ये ए बी है और ये सी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ये दो अभिकारक है ए बी और सी, ये दो। इधर की बात करें तो ये ए प्लस बी सी, यानी इधर ए बी किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? सी अभिकारक के साथ, और इधर बी सी बन गया और ए अभिकारक अलग हो गया। अब बोलते हैं, अब यहां से समझो कि ये तो हो गया अभिक्रिया, ये तो हो गई अभिक्रिया, ठीक है। इधर होती है ऊर्जा, क्या होती है? ऊर्जा, क्या होती है? ऊर्जा। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये है अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। क्या है? अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। अभिकारकों में मुझे ए बी और सी, दूसरी चीज ये है ई ए सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा जो अभिकारकों की आपस में टक्कर करने के बाद में जो उत्पन्न होती है वो क्या कहती है? सक्रियण ऊर्जा। क्या कहती है? सक्रियण ऊर्जा। और ये जो यहां से कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा है, ये ऊर्जा होती है दहलीज ऊर्जा। क्या होती है? दहलीज ऊर्जा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल क्या है? दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा, ये दहलीज ऊर्जा में से अभिकारकों की निकाल दो, क्या बच जाएगी? सक्रिय ऊर्जा बच जाएगी। क्या बच जाएगी? सक्रिय ऊर्जा। अब जो यहां पर, यहां से क्या है? ए माइनस बी, सॉरी ए बी है और किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? सी के साथ में। तो देखो यहां पर ए अलग हो रहा है तो ए का तो बंध टूट रहा होता है, ठीक है, बी के साथ में, और बी के साथ में किसका बन रहा होता है? सी का। ये अवस्था क्या सी कहलाती है? संक्रमण अवस्था। क्या कहलाती है? संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था कहां पर होती है? सक्रिय ऊर्जा जो अधिकतम सक्रिय ऊर्जा हो वहां पर कौन बनता है? अस्थायी। क्या बनती है? अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है। आप नॉर्मल अभिक्रिया करा हो तो ऐसे करा सकते हो कि ए की बी के साथ में ए बी है, सी के साथ में रिएक्शन करेगा, देखो ए और बी का बंध टूट रहा होगा, बी और सी का बंध बन रहा होगा, ये संक्रमण अवस्था।
और इसके बाद में ए अलग हो जाएगा और बी और सी का बंध क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस अवस्था को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। ये ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। ये कहलाती है अभिकारकों की गतिज ऊर्जा। और ये टोटल क्या होती है, दहलीज ऊर्जा। ठीक है, तो दहलीज ऊर्जा बोल सकते हैं कि अभिकारकों की वह धारित ऊर्जा, वह कुल धारित ऊर्जा जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। जबकि सक्रिय ऊर्जा के लिए बोलते हैं कि अभिकारकों की टक्कर होने के पश्चात उनकी वह न्यूनतम ऊर्जा जो उनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है वह क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो ये दोनों टॉपिक थे अपने, सक्रिय ऊर्जा और संक्रमण अवस्था। आगे अब पढ़ेंगे अपन डी एंड ए ब्लॉक तत्व। सबसे पहले अध्ययन करेंगे डी ब्लॉक तत्व। किसका करेंगे, डी ब्लॉक तत्वों का। अब यदि आप डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं तो डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में, डी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक के मध्य आते हैं, वह एस व पी ब्लॉक के मध्य आते हैं, किसमें, आवर्त सारणी के। दूसरी, डी ब्लॉक तत्वों में कौन से होते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। पहली चीज हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, डी ब्लॉक। यदि आप लिखो तो लिख सकते हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, डी उपकोष में। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, डी उपकोष में, वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो कि आवर्त सारणी में, किसमें, आवर्त सारणी में ये एस व पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व के मध्य होते हैं। तीसरा आप बोल सकते हो ये धातुएं होती है, डी ब्लॉक तत्वों में सभी क्या होती है, धातुएं होती है। चौथा आप बोल सकते हो कि इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो ये चार टॉपिक इसके लिए सामान्य अध्ययन के लिए आप बोल सकते हो कि डी ब्लॉक तत्वों की बात करते हैं तो बोला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, डी उपकोष में जाता है। दूसरी, आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित होते हैं, डी ब्लॉक में सभी क्या होती है, धातुएं होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इनकी बात करें तो पांचवी की बात करें तो बोला आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में फोर्थ आवर्त से सेवंथ आवर्त तक स्थित होते हैं, कौन से, फोर्थ आवर्त से सेवंथ आवर्त तक, यानी कुल चार श्रेणियां होती है, कितनी श्रेणियां होती है, चार। ये डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में टोटल कितनी सारणियां, कितनी होती है सारणियां, चार सारणियां होती है, कितनी होती है, चार सारणियां होती है। दूसरे, कौन कौन सी आवर्त में होती है, फोर्थ से लेकर सेवंथ तक, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, इन चारों आवर्त में, ये चार श्रेणियों में कौन, डी ब्लॉक तत्व होते हैं। इनके अंदर अपन बात करें तो बोला कहां से कहां तक कैसे होते हैं, तो जो प्रथम श्रेणी है, कौन सी श्रेणी, प्रथम श्रेणी की बात करते हैं अपन तो वो होती है परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक प्रथम श्रेणी, 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर कितने तक होती है, 30 तक होती है। दूसरे की बात करें थर्टी नाइन से लेकर 48 तक होती है,
39 से लेकर 48 तक होती। तृतीय श्रेणी की बात करें तो कहां से शुरुआत होती है इसकी, 57 से। कितनी होती है? 57 से लेकर 80 तक, 57 से लेकर 80 तक, यानी 57 वाला हो गया। फिर 58 से लेकर कितने, 58 से लेकर 71 तक, 58 से लेकर 71 तक कौन से होते हैं, लेंथेनर तत्व आ जाते हैं। इसके बाद एक तो ये हो गया और बाकी 9 तत्व 71 के बाद में 72 से लेकर 80 तक के वो हो गए। और चतुर्थ श्रेणी की बात करते हैं तो वो होती है 89 से लेकर 112 तक, यानी 100। यानी 89 से बात करते हैं तो 90 से लेकर 103 तक तो होते हैं एक्टिनाइड्स, और 104 से लेकर 112 तक ये 9 तत्व ये होते हैं, एक 89 वाला 10 तत्व ये होते हैं। तो ये चार श्रेणियां होती हैं जिनके अंदर ये तत्व होते हैं 21 से लेकर 30, 39 से 48 परमाणु क्रमांक, 57 से 80 और 89 से 112। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग कर देना, क्योंकि लेंथेनाइड लेंथेनाइड आते हैं 58 से 71 और एक्टिनाइड आते हैं 90 से 103। ये तो ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड आएंगे, बाकी ये चार श्रेणियां होती है, जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। अपने जो सिलेबस में है वो है प्रथम श्रेणी। कौन सी है? प्रथम श्रेणी, यानी इस श्रेणी का अपन अध्ययन करेंगे इसके अंदर, बाकी श्रेणी अपने सिलेबस में नहीं। देखो प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के लिए बोलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है N-1 D1 से 10 NS2। ये डी ब्लॉक तत्वों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी ब्लॉक तत्वों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब सबसे पहले अपन इसी विन्यास के आधार पर सभी डी ब्लॉक तत्वों के, जो प्रथम श्रेणी में डी ब्लॉक तत्व है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो बोला डी ब्लॉक तत्व की प्रथम संक्रमण श्रेणी में तत्व कौन कौन से होते हैं। क्या होता है? तत्व कौन कौन से, इसको याद रखना, N-1 D1 से 10 NS2। ये भी सिद्ध भी हो जाएगा, अपन इसको आगे भी ले लेंगे। आप लिखो तो साइड में लिख के रख लो इसको, N-1 D1 से 10 और NS2। अब इसकी बात करते हैं तो बोला 21, कितने नंबर 21 में कौन आता है? ये लो स्कैन, फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये 30 तत्व, 10 तत्व होते हैं जिसके अंदर ये। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 तत्व होते हैं जो क्या होते हैं अपन डी ब्लॉक तत्व, क्या होते हैं डी ब्लॉक तत्व के अंदर रहते हैं। अब अपन ने क्या बोला है कि इसमें टॉपिक बोला है कि डी ब्लॉक तत्वों को अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उसकी बात करें तो संक्रमण तत्व उन तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को कहते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, सॉरी उन डी ब्लॉक तत्वों को कहते हैं जो अपनी परमाणवीय या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व उन डी ब्लॉक तत्वों को कहते हैं जिनकी परमाणवीय या आयनिक अवस्था में डी ब्लॉक क्या होते हैं, डी कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब आप बोलो तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक तत्व तो है, तीनों क्या है? डी ब्लॉक तत्व तो है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है कौन सी? परमाणवीय और आयनिक, परमाणवीय और आयनिक दोनों में ही इनमें
डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है। डी कक्षक क्या होता है? डी टेन होता है, और इसके कारण डी टेन होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व है? नहीं कहलाते, क्योंकि डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। जबकि संक्रमण तत्वों का गुण क्या है कि डी कक्षक क्या होना चाहिए? या तो संकर, या तो परमाणु व्यवस्था में या आयनिक, दोनों में से किसी भी एक के अंदर, दोनों में से किसी भी एक के अंदर डी कक्षक पूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इनकी बात करते हैं दस तत्वों की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यदि आप इनको शॉर्ट में याद करना चाहो तो भी कर सकते हो, इनको आप बोलते हो सेटी, वक्रमन, फेकोनी, कुजर। सेटी, वक्रमन, फेकोनी, कुजर, यानी दो वर्ष से इसको कंप्लीट कर सकते हो आप। सेटी, वक्रमन, फेकोनी, कुजर, इन दस तत्वों को याद कर सकते हो। कैसे? से एस टी पी आई, वे वी क्रय सी आर, मन एम। ये लो पांच तत्व, सेटी, वक्रमन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, से एस सी टी पी आई, वे वे क्रय सी आर, एम मन एम एन। फेकोनी कुजन, फे एफ ई, को सी ओ, नी एन आई, कु सी यू, और जन, यानी सेटी, वक्रमन, फेकोनी, कुजन। इससे आप इन दस तत्वों को याद कर सकते हैं। नंबरिंग की बात करते हैं तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब मैं आपको सबसे पहले ऑर्गन तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेता हूं एक बार, उसके बाद अपन पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हो तो क्या लिखते हो? 1s2, 2s2, याद रखना, 2p6, 3s2 और 3p6। ये यहां से लेकर यहां तक कितने का हो गया? 18 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, यानी 18 पर कौन होता है? ऑर्गन। ऑर्गन तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद देखो 3p6 के बाद शुरुआत होती है 4s से, किससे होती है? 4s 4s2। इसके बाद आता है 3d, क्या होता है? 3d, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के तत्व आते हैं। तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर दिक्कत आ रही है कि ये 3d, पहले कौन आता है? 4s। तो अपन क्या लिखते हैं? n-1d 1 से 10 ns2। तो अब आप एक बार n का मान मैं यहां पर 3 वाला रखूं, तो n बराबर क्या रखूं? 4, n बराबर कितना लिखना पड़ेगा मुझे? 4, और क्वेश्चन शुरू होता है 4 से, 4th, 5th, 6th और 7th में, तो क्या रखूं? 4। यदि n बराबर क्या लिखा? 4 लिखा, तो ये तो क्या हो गया? 4s2, और n में से एक निकाल दो, यानी 4 में से एक निकाल दो, कितना आ गया? 3, तो ये 3d आ गया। तो ये देखो 3d आ गया 1 से लेकर 10 तक का। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे यहां पर इस वजह से। अब अपन क्या करेंगे? अपन यहां से लेकर यहां तक का तो नहीं लिखेंगे, यहां तो ये ऑर्गन आ गया, इनको लिखेंगे अपन कि 3d 1 से 10 और 4s2। अब इसको आप इतना लिखना है 3d 1 से 10 4s2, यानी कि जब ये कॉमन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तब पहले कौन आता है? 4s, और उसके बाद कौन आता है? 3d, जो किसके अकॉर्डिंग आता है? n प्लस l नियम के अनुसार, n प्लस l नियम के अनुसार, जो ओबो सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको लिखने की कोशिश करते हैं, स्कैंडियम का। किसका? स्कैंडियम का। तो ये तो सबसे पहले कौन आ गया? ऑर्गन, ये ऑर्गन। अब इसमें ऑर्गन में किसी को दिक्कत नहीं है, ये ऑर्गन, ये लोड। अब इसके बाद में बात करते हैं तो इसमें ये लिखते हैं कि अपन 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s
3D4S और 3D4S। अब एक सामान्य के अकॉर्डिंग अपन बोले कि एस में पहले दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो अपन लिखते हैं 2 2 2 4s 2 4s 2 4s 2 4s 2 4s 2 4s 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास भी यही। अब ये कितने हो गए, 18 थे तो वो थे, दो ये हो गए, कितने हो गए 20, सब 20 20 हो गए। 21 नंबर पे है यानी डी में कितना आएगा 1। 22 वाले के लिए डी में कितना हो गया, कितने हो गए 18 2 20 20 और ये 22 पर थे कितने बच गए 2 18 2 20 20 और 3 23 18 2 20 20 और 4 24 18 2 20 20 और 5 25 26 27 28 29 और ये ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब इसके अंदर, इसके अंदर एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, इसमें एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता होती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता होती है। इनका हकीकत में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है, वो होता है 3d5 4s1 और इधर होता है 3d9 4s1। ये इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, किसका, कॉपर एंड क्रोमियम, यानी जो सीसी से शुरू हो रहे हो, किससे सीसी से शुरू हो रहे हो, क्रोमियम और कॉपर, कोबाल्ट का ध्यान रखना, कोबाल्ट तो नहीं, क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये ध्यान रखना है कि क्रोमियम और कॉपर का, क्रोमियम को, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 और कॉपर का होता है 3d9 4s1। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में ऐसा क्यों, तो उसका कारण, दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि यहां पर बात करते हैं तो अपन कक्षकों के स्थायित्व की बात करते हैं, तो कक्षक पूर्ण भरे हुए, अर्धपूर्ण और आंशिक भरे हुए, तीन प्रकार के हो सकते हैं, पूर्ण भरे हुए, अर्धपूर्ण और आंशिक, उनके स्थायित्व की बात करते हैं तो सबसे अधिक होते हैं पूर्ण भरे हुए कक्षक, सबसे अधिक स्थायी होते हैं, फिर अर्धपूर्ण और फिर आंशिक, इनका ये स्थायित्व का क्रम होता है। अब अपन आप यहां पर देखो तो 3d4 क्रोमियम में 3d4 4s2 है, ये तो पूर्ण भरा हुआ है लेकिन ये क्या है आंशिक, एक तो पूर्ण भरा हुआ है, एक क्या है आंशिक, यानी एक तो पूर्ण स्थायी है, दूसरा बहुत कम स्थायी है, इसलिए इसने क्या कर दिया, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो ये भी अर्धपूर्ण और ये भी अर्धपूर्ण, दोनों क्या हो गए अर्धपूर्ण हो गए, दोनों अर्धपूर्ण हो गए तो ये क्या हो गया स्थायी हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं ये इससे अधिक स्थायी होता है। सॉरी 10 9 नहीं था, कितना था 10। अब यही बात अपन किसमें कॉपर पे लागू करें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d9 4s2 था, यानी ये तो पूर्ण था, 4s तो क्या था पूर्ण था, लेकिन 3d क्या था आंशिक था, क्या था आंशिक था, क्यों, क्योंकि 4s में तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 आते हैं, कितने आते हैं 10, ना तो 10 है और अर्धपूर्ण होने के लिए कितने चाहिए 5, तो ना 5 है ना 10 है, इसका मतलब ये क्या हो गया ये इतना ज्यादा स्थायी नहीं हुआ। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो 3d10 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो गया इसका मतलब पूर्ण भरा हुआ हो गया और दूसरा वाला क्या है अर्धपूर्ण है, दूसरा क्या है अर्धपूर्ण, तो एक पूर्ण और एक अर्धपूर्ण है, जबकि इसमें क्या था एक तो आंशिक था और एक पूर्ण था, इसलिए ये वाले ज्यादा स्थायी, तो एक तो इनका सुबह स्थायित्व है। और दूसरा कारण ये है कि 3d व 4s जब इन सब कोशों के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इनकी ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इनमें ऊर्जा का अंतर क्या होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण इनमें आपस में क्या जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। तो दो कारण हो गए, कक्षकों का स्थायित्व है और दूसरा इनमें ऊर्जा का आदान प्रदान, जिसके कारण से क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होता है, बाकी सबका वैसा का
वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये इन अपन दोनों की बात करी जिसमें डी ब्लॉक तत्वों की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसका अपन ने आज सामान्य अध्ययन किया, जिसमें आपने डी ब्लॉक तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणियों को समझने की कोशिश करी कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक को समझने की कोशिश करी कि डी ब्लॉक में कौन कौन से आ सकते हैं, तो बोला डी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाना चाहिए, इन्हें संक्रमण कहते हैं, इन्हें धात्विक कहते हैं, ये एस और पी ब्लॉक के मध्य होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1d1 से 10 ns2 होता है। फिर ये 10 तत्व होते हैं, इनको अपन ने याद करने की कोशिश करी कि सेटी वक्रमण फेकोनी कुजन, जिससे अपन ने 10 लिखिए, इनका परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास जब लिखते हैं तो बोला ऑर्गन का 18 तक लिखते हैं, इसके बाद में 3d1 से 10 होता है, 4s2 होता है, तो 4s2 पहले सब में सेम लिखते हैं, फिर 3d में अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू करते हैं, तो 1 से लेकर कितने तक, 10 तक। फिर अपने पास में दो अपवाद आते हैं, कौन कौन से, एक क्रोमियम और एक कॉपर, एक क्रोमियम और एक कॉपर, जिनको अपन फिर चेंज करते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d5 4s1 होगा, इसका 3d10 4s1 होगा। कोई कारण पूछ ले इन दोनों का इलेक्ट्रॉन चेंज होने का, तो बोला दो कारण है, एक तो कक्षकों का स्थायित्व है और दूसरा कारण है 3d और 4s में ऊर्जा का बहुत कम अंतर, ठीक है। कक्षकों का स्थायित्व वाला आप आसानी से समझा सकते हो कि सबसे ज्यादा स्थायित्व पूर्ण भरे, फिर अर्धपूर्ण और फिर आंशिक। तो बोला जब क्रोमियम की बात करते हैं तो 3d4 4s2 होता है, तो एक तो आंशिक होता है और एक पूर्ण होता है, यानी अच्छे से स्थायी नहीं है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन बोला इसमें 3d को दे दें तो एक तो क्या हो जाता है, अर्धपूर्ण हो जाता है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, अर्धपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह कॉपर की बात करते हैं, 3d9 4s2 होता है, यानी एक तो पूर्ण होता है लेकिन दूसरा आंशिक होता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दे तो एक तो पूर्ण हो जाता है और दूसरा अर्धपूर्ण हो जाता है इसके कारण। तो ये आज का अपना टॉपिक था जिसमें अपन डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य अध्ययन किया। हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी अगली जो क्लास है वो है, जब पिछला अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक तत्व, उन डी ब्लॉक तत्वों में प्रथम संक्रमण श्रेणी का अध्ययन कर लिया था, जिसके अंदर अपन प्रथम श्रेणी में 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्वों के सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं कि संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण, क्या पढ़ते हैं, सामान्य गुण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के सामान्य गुण, यानी कौन कौन से इनके अंदर सामान्य गुण होते हैं जिसके कारण अपन डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे तो पहले ये बोलते हैं कि डी ब्लॉक तत्व कौन से वाले, प्रथम संक्रमण श्रेणी के डी ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं अपन, तो इनके अंदर सबसे पहले बोलते हैं कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो पहला तो आप लिख सकते हो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, दूसरा ये धात्विक होते हैं, क्या होते हैं, धात्विक होते हैं, तीसरा, तीसरा बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में इनके गुणों की बात करें तो इनके गुणों में लंबवत समानता ना होकर क्षैतिज समानता होती है, कौन सी समानता होती है, इनके गुणों में क्षैतिज समानता होती है, क्षैतिज समानता, यानी डी ब्लॉक तत्वों की जो श्रेणियां हैं क्षैतिज उनमें आपस में क्या होती है, समानता होती है। चौथे गुण की बात करें इनकी, तीन गुण हो गए, मुझे विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, धात्विक और क्षैतिज, इनकी क्षैतिज समानता। चौथे की बात करें तो इनमें उत्प्रेरकीय गुण उपस्थित होते हैं, कौन से गुण उपस्थित होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण उपस्थित होते हैं, किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, कौन, डी ब्लॉक के तत्व है। पांचवा की बात करें, इनका पांचवा लक्षण की बात करें तो इनके यौगिक रंगीन होते हैं, इनके यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, किनके, डी ब्लॉक
तत्वों के योगी कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। छठे की बात करें तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। डीप लोक तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सातवें की बात करें डीप लोक तत्व मिश्र धातुएं बनाते हैं, डीप लोक तत्व क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। आठवें की बात करें अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। आठवां क्या गुण है, अंतराकाशी यौगिक बनाते। नौवें की बात करें तो अपन इनको दूसरे तरीके से बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। कितने लक्षण हो गए, नौ। कौन कौन से, इनकी बात करें तो विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं, धात्विक गुण दर्शाते हैं दो, तीसरा इनके तत्वों में क्षितिज समानता होती है, कैसी होती है, क्षितिज समानता होती है। चौथे की बात करें तो इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, ये खुद क्या दर्शाते हैं, धातुएं जो डीप्लोक तत्व है उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। पांचवें की बात करें तो इनके तत्व कैसे होते हैं या इनके यौगिक बात कर रहे हैं तो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। आगे बात करें तो ये चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। अगली बात करें तो ये मिश्र धातुएं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं, जैसे तांबा, जर्मन सिल्वर, बहुत सारी रोल्ड गोल्ड है ना, ये सभी कौन होते हैं, डीप लोक तत्व। आठवीं की बात करें तो ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, इनमें मजबूती होती है। यानी अंतराकाशी यौगिक मतलब किसी बड़े जो तत्व होते हैं या बड़े धातुओं बंध बना के जो बड़े यौगिक बनाते हैं उनके अंदर छोटे छोटे तत्व जैसे हाइड्रोजन कार्बन इनका समावेश होता है, जिनको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। नवें बात करते हैं तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, जो किनका गुण है, डीप लोक तत्वों का स्पेशल गुण है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनके सामान्य आठ या नौ गुण हैं।